मैंने ये सुना भी है और बहुत सारी चीजें मैंने देखी भी है कि अगर आप एक एज जैसे 35 के बाद एक कोई बेबी अगर प्लान करते हो तो उसमें आपके साथ तो कॉम्प्लीकेशन होंगी होंगी लेकिन हो सकता है कि बच्चे के साथ भी कॉम्प्लीकेशन होती है तो ये होता है कि 90 परसेंट ऐसा होता है तो मैं आपको बिल्कुल बायोलॉजी uh, साइंस के हिसाब से बताती हूँ ठीक है ना मैं आपको एक पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रही हूँ हु। मैं साइंस के हिसाब से बताती हूँ जो बेस्ट एज है ना फीमेल की फीमेल mm बॉडी -hmm. uh, के हिसाब से हॉर्मोन्स के हिसाब से बच्चे पैदा करने की दैट इज अराउंड ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ठीक है ना फीमेल हॉर्मोन्स फीमेल बॉडी बहुत अच्छे पीक पर होती है उस टाइम अफकोर्स mm. आजकल करियर्स हैं अलग टाइप का प्रोफेशन है मेरी खुद की भी शादी लाइक आई वॉज अराउंड ट्वेंटी सेवन एंड हाफ आई गॉट मैरिड तो चीजें थोड़ी चेंज हो गई हैं पढ़ाई लंबे टाइम तक चलती है लेकिन फिर भी इट इज बेस्ट कि आप टाइम से कर लें hmm. मैं बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ मैं पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रही हूं बिकॉज आफ्टर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ईयर्स ऑफ एज द हॉर्मोन्स एंड द सिस्टम इट स्टार्ट डिक्लाइनिंग ठीक है ना एकदम से डिक्लाइन डिप नहीं हो जाता बट वो डिक्लाइनिंग स्लोप आ जाता है ठीक है सो पीकेज तो वो है ठीक है आप पीकेज में नहीं कर पा रहे बट उसके बाद मुझे लगता है कि आपको टाइम से कर लेना चाहिए बिकॉज डेफिनेटली चांसेस ऑफ एनोमलीज जो आप कह रहे हो हाँ। जैसे छोटे बच्चों में टेस्ट्स भी होते हैं प्रेगनेंसी में सिंड्रोम्स वगैरह या कोई भी एनोमली होने जी. के चांसेस वो डेफिनेटली बढ़ जाते हैं ऐसे केसेस ऑफकोर्स हैं जिन्होंने 40, 45 इयर्स पे भी बच्चे करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती केसेस हाँ। हैं अभी वो सिद्धू मूसे वाला की मदर डिलीवर्ड बेबी कोर्स ऐसे केसेस हैं एंड ऐसे भी केसेस हैं जिनमें बहुत कम 24-25 साल के एज में भी बच्चे में कॉम्प्लिकेशन हो गया या मदर को कॉम्प्लिकेशन हो गया बट हाँ, होने को तो कभी भी कुछ भी हो सकता है बट हम चांसेस देखते हैं ना किस चीज के तो डेफिनेटली इवन प्रेगनेंसी में भी जैसे आप uh, आप भी जैसे आपका बेबी आपने बताया प्रेगनेंसी में स्कैन होते हैं अल्ट्रासाउंड होते हैं तो अगर आप नोटिस <laughs> करो कभी भी uh, मेरा भी जब फर्स्ट बेबी के साथ अल्ट्रासाउंड होता है हुँ, हुँ. उसमें ये सिंड्रोम सिंड्रोम चांसेस चांसेस डाउन वगैरह के पता चलते हैं तो उसकी जो रिपोर्ट्स आती हैं आप हुँ. अच्छे किसी डायग्नोस्टिक सेंटर से करा रहे हो तो जो रिपोर्ट्स आते हैं उनपे ग्राफ बना होता है हम कोई भी ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें नॉर्मल रेंज लिखी होती है राइट नॉर्मल इतना है आपका इतना है तो अगर आपने किसी अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर से कराया है तो उन स्कैन के ऊपर भी ग्राफ बना होता है जिनमें एक एक्सेस uh, पर होता है आपकी एज और एक एक्सेस पर होता है चांसेस ऑफ okay. आप खुद जब उस ग्राफ को देखोगे तो hmm. आपको रियलाइज होगा कि किसी के ओपिनियन इसमें कहीं मैटर नहीं करती एज पर साइंस एज पर आर ओन ह्यूमन बॉडी चांसेस कॉम्प्लिकेशंस के स्टेडीली बढ़ने लग जाते हैं जैसे जैसे आप एज क्रॉस करते जाते हैं। तो hmm. 35, 40 हो तो थर्टी फाइव फोर्टी स्टिल आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है ब्लड मार्कर्स होते हैं और अल्ट्रासाउंड स्कैंस होते हैं जिसमें hmm. कुछ कुछ स्पॉट्स होते हैं जो डॉक्टर्स चेक करते हैं कुछ बोन्स होती हैं जो डॉक्टर चेक करते हैं जो की सिग्निफाई करते हैं कि डाउन सिंड्रोम के लिए मेनली होता है ये टेस्ट कि क्या चांसेस है सिंड्रोम्स okay. uh, के एंड hmm. अगर सपोज किसी कुछ भी अगर डॉक्टर को प्रॉब्लम लगती है तो और स्पेशलाइज टेस्ट्स भी होते हैं एमनियोसेंटेसिस एक टेस्ट होता है जिसमें एमनिओटिक फ्लूड होता है बेसिकली hmm. hmm. वो इंजेक्ट आउट करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं मार्कस के लिए उससे भी हमें आइडिया लगता है कि कुछ नॉर्मली बच्चे में आगे जाके हो सकती है नहीं अगेन okay. ये सारे टेस्ट हंड्रेड uh, परसेंट तो कुछ भी नहीं होता जब तक आपका बच्चा बाहर नहीं आ गया बट स्टिल टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व कर चुकी है काफी आइडिया हमें लग जाता है स्कैन्स के थ्रू